अस्सलाम वालेकुम। आज है 31 मई सन 2023 और बुध का दिन है। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 1:45 हो रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायविंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लाहौर और उसके गिर्दो नवा में कल रात से मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। हल्की हल्की बारिश हो रही है कल रात से, लेकिन कभी कभी ये बारिश ज़ोर भी पकड़ लेती है। आज मेरा ट्रेन का सफ़र है लकीली, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं काफ़ी दिनों बाद सफ़र कर रहा हूं और मौसम एकदम से अच्छा हो गया है और ट्रेन में सफ़र करने के ऐन मुताबिक है। तो इस वक्त आप देख ही रहे होंगे कि मेरी जो हालत है वो कैसी है, पूरा मैं भीगा हुआ हूं। दरअसल हुआ कुछ इस तरह से था कि आज मैंने ट्रैवल करना है 8 डाउन तेज़गाम पर, रायविंड से लेकर मुल्तान तक। तो मैंने सोचा कि क्यों इतना किराया लगाकर टैक्सी या रिक्शे पे स्टेशन तक आया जाए, अपनी मोटरसाइकिल पर ही आते हैं और उसको यहाँ पे पार्किंग में खड़ा कर देंगे और जब कल मैं वापस आऊँगा तो अपनी मोटरसाइकिल पे ही घर चला जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही मैं अपने घर से निकला लाहौर से, तो बारिश एकदम तेज़ हो गई। बैग तो मेरा बच गया, मैंने इसको प्लास्टिक बैग में रैप किया हुआ था, लेकिन ख़ुद मैं गीला हो गया और इस वक्त मेरे पूरे जो कपड़े हैं, जूते, पैंट, शर्ट, ये सब गीली हो चुकी हैं। लेकिन यही सफ़र का मज़ा है, तो आज इसी सफ़र को एंजॉय करते हैं। इस बारिश से गर्मी में कमी तो आई है और मौसम भी खुशगवार हो गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि सर्दियां वापस लौट आई हैं। हवा में खुनकी भी बढ़ गई है और ये जो दरख्त हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सामने रायविंड जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, ये भी धुली धुली बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कुछ ही देर में 8 डाउन तेज़गाम भी यहाँ पहुँच जाएगी। आपको बताता चलूँ कि आज मेरा सफ़र हो रहा है तेज़गाम पर, लाहौर से लेकर मुल्तान तक। और लाहौर से मैं इसलिए नहीं बैठता हूँ ट्रेन में क्योंकि रायविंड मेरे घर से करीब है, तो इसलिए मैं रायविंड से ही टिकट कराता हूँ। थोड़ी सस्ती भी हो जाती है, ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और मुल्तान जाने का मकसद ये है कि कल बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस से एक दफ़ा दोबारा से शुरू होने जा रही है, तो उसकी इनॉग्रेशन कवर करने के लिए जा रहा हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। 8 डाउन तेज़गाम का इंतज़ार करते करते रायविंड जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मेरी नज़र इस अमरूद के दरख्त पे पड़ी है और इसे देखकर तो दिल खुश हो गया। माशाल्लाह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फल आया हुआ है और छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। सब लोगों से यही गुजारिश है कि इस तरह के जब फलदार दरख्त आप देखें तो उसमें से जो छोटे छोटे फल हैं उनको तोड़ा मत कीजिए, बल्कि इनको बड़ा होने दीजिए और जब ये ज़बरदस्त खाने के काबिल हो जाएं तब इनको तोड़ें ताकि किसी का भला ज़रूर हो सके। मैं अब वॉक करता हुआ प्लेटफॉर्म की अगली तरफ आ गया हूं और बारिश भी थोड़ी हल्की हो गई है तो मौसम मज़ीद मज़ेदार हो गया है। रायविंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दरख्त बहुत ही बड़े बड़े और पुराने कदीम लगे हुए हैं और दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरी बुकिंग आज 2 नंबर कोच में, जो कि आगे ही होती है, ये लोकोमोटिव के आसपास होती है बिल्कुल, तो इस वजह से यहाँ पर खड़ा होकर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखते हैं कब तक ट्रेन पहुँचती है। इधर अनाउंसमेंट होने लगी है उसकी। दो नंबर प्लेटफॉर्म का ऐलान हो गया आपसे बात करते करते ही ये अनाउंसमेंट हो गई। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है ट्रेन, देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव इसको आज लीड कर रहा है। 8 डाउन की अनाउंसमेंट के फौरन बाद ही एक और अनाउंसमेंट हुई और बड़ा कोइंसिडेंस है कि 7 अप तेज़गाम भी आ रही है। तो 8 डाउन तेज़गाम और 7 अप तेज़गाम दोनों मिलेंगी आपस में रायविंड जंक्शन पर।
कुछ ही लम्हों में दोनों ट्रेन इधर पहुंच जाएंगी, तो फिर उसमें बैठते हैं। यहाँ पे इंतज़ार करते करते एक रेल फैन से भी मुलाकात हुई है, उनसे आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरी ऐस इधर ही है, मैं हूँ कामरान, मोहम्मद कामरान। आप तो देख कर खुशी हुई है आप इधर हैं, मम्मी नानी जा रहे हैं आप कराची में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, थैंक यू। तो लाइट्स भी नज़र आ गई हैं एट डाउन की, उसको करते हैं कैप्चर। बहुत ही ज़बरदस्त डुअल एक्शन होने वाला है इधर। और ये सामने आपको जो ट्रेन नज़र आ रही है, ये एट डाउन तेज़गाम है। और इसकी लीड पर है ZCU-36329 लोकोमोटिव। और कैमरा घुमाऊंगा तो सामने से आपको एट डाउन तेज़गाम भी नज़र आ जाएगी, वो भी ZCU-30 लोकोमोटिव के साथ आ रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन हो गया ये। तेज़गाम एक लेजेंडरी ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज़ की, और ये चलती है कराची और रावलपिंडी के दरमियान, बरास्ता लाहौर और मुल्तान भी से भी होती भी जाती है। आज मेरा इस पर सफ़र है रायवंड से लेकर मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन तक। ZCU-36318 इसकी लीड पर है। दो नंबर कोच है मेरी, तो देखते हैं वो कहाँ पर है। एक्स्ट्रा वन लगी है पहले, उसके साथ ही एक्स्ट्रा टू है। एक्स्ट्रा टू और एक्स्ट्रा वन पहले आ गई, और उसके बाद अब आ रही है एक नंबर, और उससे पीछे है दो नंबर। वैसे तो ट्रेन काफ़ी खाली है, सोच रहा हूँ मैं थोड़ा आगे वाली कोच में ही बैठूं, ताकि जो ट्रेन की लोकोमोटिव की आवाज़ें होती हैं वो अच्छी कैप्चर हो सकें। बहरहाल अभी मैं बैठता हूँ दो नंबर कोच में, और फिर आगे देखूंगा पत्तोकी वगैरह पे, अगर आगे जाना हुआ तो फिर आगे भी जाऊंगा। चलो कामरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दोनों ही ट्रेन्स को सिग्नल हो चुका है, और एट डाउन अभी तक खड़ी है, जबकि सेवन अप तेज़गाम रवाना हो चुकी है। डिपार्चर विसल तो हो गया हमारी ट्रेन का, बस किसी भी वक्त हम भी मूव करेंगे। और ये लें, हमने भी करना शुरू कर दिया है मूव। सेवन अप ने ब्रेक लगाई है, शायद हो सकता है किसी ने चेन पुल की हो आखिरी मोमेंट पे। बहरहाल हम चलते हैं अपनी साइड पे, रायवंड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और ये एक पाम का दरख्त इधर लगा है, और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये, क्योंकि इसमें छोटा छोटा फल भी आया हुआ है, ज़बरदस्त। आप भी हो, ये लो भाई। कुछ बच्चे उधर बैठे थे, और कैमरा देखते ही उन्होंने आवाज़ें लगाई कि हम भी इधर बैठे हैं, हमारी भी बनाओ। बहरहाल रवाना हो चुकी है तेज़गाम, और बारिश से ये मंज़र धुला धुला बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतने दिनों बाद आज ट्रेन का सफ़र, और वो भी इस मौसम में, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया। अल्लाह हाफिज़। तो एट डाउन तेज़गाम, असल में दोनों एक साथ आई तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी में कन्फ्यूजन हो जाती है। एट डाउन तेज़गाम के जो स्टॉप्स हैं रायवंड से लेकर मुल्तान तक, और जो उसका टाइम है वो आपको इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। ZCU-30 ने ज़बरदस्त सी चगिंग साउंड्स देना शुरू कर दिए हैं,
और चौथे डब्बे में हूँ मैं, और मेरा दिल चाह रहा है कि उड़ के पहले डब्बे में चला जाऊँ। उल्टे हाथ पे कर्व होती हुई रेलवे लाइन जो कि रायवंड से कसूर, पाकपतन और लोधरा वाली ब्रांच लाइन है। चलें चल के बैठते हैं अपनी सीट पे और सफ़र को एंजॉय करते हैं। कोच का इंटीरियर, वैसे तो मेरी 74 नंबर सीट है लेकिन उस पर कोई बैठा है तो मैं 76 पे बैठ जाता हूँ। खाली है ट्रेन काफ़ी। रंग बिरंगे कंटेनर्स के साथ प्रेम नगर ड्राई पोर्ट से गुजर रहे हैं और कुछ ही देर में आमना सामना होगा 5 अप ग्रीन लाइन से, तो उसका थ्रू पास देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लाइब्रेरी वाली प्रीमियम ट्रेन 5 अप ग्रीन लाइन का थ्रू पास देखा, और तेज़गाम भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रूज कर रही है। दो बजकर 53 मिनट हो रहे हैं और बड़ी अच्छी स्पीड में क्रूज़ कर रहे थे लेकिन यहाँ पर एकदम से ब्रेक मारी है। कोट राधा किशन से थ्रू पास करेंगे लेकिन शायद यहाँ से पीएलसी लेनी है। हाँ जी बिल्कुल पीएलसी ली जा रही है, इस वजह से स्पीड को हल्का किया गया। यहाँ पर स्टॉप नहीं है तेज़गाम का लेकिन पीएलसी के लिए स्पीड को हल्का करना पड़ा। अभी दोबारा मोमेंटम में आती है ट्रेन तो फिर इसका स्पीड चेक भी करते हैं। कोट राधा किशन, काफ़ी देर से जीपीएस स्पीडोमीटर के ज़रिए मैं स्पीड चेक कर रहा था ट्रेन की, और ये 98, 99, 100, 101 इस किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, जबकि कोट राधा किशन आने से पहले ये 105, 106 की रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन कोट राधा किशन गुजरने के बाद से वो वाली तेज़ी अभी तक आ नहीं सकी। इस वक्त गुजर रहे हैं छांगा मांगा के मस्नूई जंगल से जो कि बारिश के बाद बहुत ही अच्छा नज़ारा दे रहा है। लगता है यहाँ पर लाहौर के और रायवंड के मुकाबले में बारिश काफ़ी कम हुई है क्योंकि सड़क बतदरीज सूखी भी नज़र आ रही है ज़्यादातर। अब हल्की हल्की धूप भी निकल आई है लेकिन हवा में खुनकी बरकरार है।
अभी हम बैठे हुए इधर गपशप भी कर रहे थे और नाइन अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस एकदम से गुजरी है। बाहर के नज़ारे आपको दिखाता हूँ और सामने मकई की फसल लगी है, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरी सामने वाली सीट पर तो आज कोई नहीं है, लेकिन जो सामने केबिन है इनमें दो साहब सफ़र कर रहे हैं और मेरी बड़ी अच्छी इनसे गपशप चल रही है। इनका सफ़र रहीमी और ख़ान तक है। थोड़ी देर में पत्तोकी रेलवे स्टेशन आ जाएगा तो वहाँ पे मिलते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं स्पीड चेक करें एक दफ़ा फिर, क्योंकि अब लग रहा है कि ट्रेन काफ़ी स्पीड में चल रही है। जैसे ही मैं स्पीड चेक करने लगा वैसे ही ड्राइवर साहब ने ब्रेक अप्लाई कर दिए, क्योंकि पत्तोकी रेलवे स्टेशन आने वाला था। इस वक्त पत्तोकी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर ट्रेन एंटर हो रही है और बहुत ही धीमी रफ्तार में है, तो चलें पत्तोकी को कवर करते हैं। लोगों ने इधर अपने कारपेट्स भी बिछाए हुए हैं ताकि बारिश में वो धुल जाएं। यहाँ भी काफ़ी बारिश हुई है, आपको ज़मीन पर पानी नज़र ही आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा। सामने इतने ज़्यादा कटे हुए दरख्तों के तने देखकर अफसोस तो हो रहा है कि डीफॉरेस्टेशन हो रही है इतनी ज़्यादा। बहरहाल पत्तोकी रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी है ट्रेन और मुनासिब सा रश है इधर। आज वैसे बुध का दिन है, वर्किंग डे है, इसलिए इतने ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं, वरना जो वीकडेज़ होते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश होता है इन ट्रेन्स पे, ख़ास तौर पे तेज़गाम खैबर मेल वग़ैरह जो मुख्तलिफ़ स्टेशन्स पर रुकती भी जाती हैं। रुक गए पत्तोकी पर, पत्तोकी की लूप लाइन से वापस मेन लाइन पर आते हुए, और ये बिल्कुल साथ साथ रेलवे लाइन के एक ओवरहेड ब्रिज है रोड ट्रैफिक के लिए, और उसके नीचे भी दरख्तों के कटे हुए तने नज़र आ रहे हैं। चलें अब मिलते हैं आपसे आगे जब ट्रेन कुछ रफ्तार पकड़ती है और फिर एक दफ़ा फिर इसका स्पीड चेक करेंगे। पत्तोकी का नर्सरी एरिया अब शुरू हो चुका है। यहाँ रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ में खूबसूरत नर्सरीज मौजूद हैं और ज़बरदस्त किस्म के पौधे लगे हुए हैं। दूर दूर शहरों से लोग यहाँ आते हैं और पौधे ख़रीद के लेके जाते हैं। इस जगह से गुज़रते हुए हमेशा तरोताज़गी का एहसास होता है। सफ़र जारी है और भूख भी लग गई है, तो घर से लाया हुआ खाना मैंने निकाल लिया है, तो देखते हैं आज के मेन्यू में क्या है।
ये मुझे घर वालों ने पैक करके दिया है, और ये हैं चिकन फ्राइड राइस घर के बने हुए। तो आज ये ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा खाना रहता है। कपड़े मेरे पूरे भीगे में, क्या आपको नज़र आ भी रहा होगा। इस तरह का खाना बहुत अच्छा रहता है ट्रेन में, क्योंकि इसमें से ऑयल वगैरह गिरने का डर भी नहीं होता और आप सही तरीके से इंजॉय करके खाते हो। तो टेस्ट चेक करते हैं इसका ZCU विसल्स के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, बस एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि मैं साथ में कोई केचप या गार्लिक सॉस नहीं लेके आया, उससे इसका जायका और अच्छा हो जाता। ज़बरदस्त। लंच तो एंजॉय कर लिया, अब ज़बरदस्त स्पीड एंजॉय करते हैं। रेनाला खुर्द रेलवे स्टेशन को अभी अभी पास किया है और इस वक्त ट्रेन 107-108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रूज कर रही है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ZCU-30-6318। ओकाड़ा आने वाला है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फसल लगी है भिंडी की, और इसको मैं इसके छोटे छोटे पीले फूलों की वजह से पहचाना, तो सोचा आपको दिखा दूं। खैर अब तो वो ख़त्म हो चुकी। बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार में दौड़ रहा है ZCU-30-6318, और सही मायनों में आज काफ़ी दिनों बाद ट्रेन का सफ़र करके मज़ा आ रहा है। तीन बजकर 50 मिनट हो रहे हैं और पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे शहर ओकाड़ा पहुंच रही है ट्रेन। ओकाड़ा की लूप लाइन पर एंटर होने लगी है। 20 मिनट डिले शो हो रहा है ट्रैकिंग ऐप पर इस वक्त। यहाँ भी बारिश से हर चीज़ धुली धुली लग रही है, और ख़ास तौर पे दरख्त हरियाली बहुत ही खूबसूरत मंज़र दे रहे हैं। ओकाड़ा के बोर्ड के बिल्कुल ऊपर ये डाली का दरख्त, बहुत ही मशहूर दरख्त है लोकल पंजाब का, और अक्सर जो लोक गाने होते हैं उनमें भी इस दरख्त का ज़िक्र लाजमी होता है। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन की नई नवेली बिल्डिंग, अभी तक जितने भी स्टॉप्स पर रुकी है सबसे ज़्यादा रश ओकाड़ा पे ही देखने में आया है। ओकाड़ा पे तकरीबन 4 से 5 मिनट का स्टॉप करने के बाद अब ट्रेन रवाना हो रही है। मैंने सोचा था कि ओकाड़ा पर उतरूंगा और आगे जाके लोकोमोटिव की वीडियो बनाऊंगा, उसका डिपार्चर विसल कैप्चर कर सकूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जैसे ही ट्रेन रुकी है काफ़ी ज़्यादा लोग दोनों दरवाज़ों से ट्रेन में सवार हुए और नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं बचा, और जितनी देर में वो रश छटा है ट्रेन ने डिपार्चर विसल दे दिया। तो बहरहाल अब कोशिश करते हैं कि साहिवाल पर
जो है वो लोकोमोटिव का विजिट करें और उसका डिपार्चर विसल भी कैप्चर कर सकें। ओकाड़ा छावनी रेलवे स्टेशन से थ्रू पास करने लगे हैं, लेकिन हल्की स्पीड में क्योंकि पीएलसी पकड़नी है। यहाँ से सामने आपको स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स रेड नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से पीएलसी दी जाती है। और बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, एकदम से बारीक बारीक सी बूंदें आंखें मुंह पर और हाथ पर गिरी हैं, तो एहसास हुआ है कि बारिश दोबारा शुरू हो गई। और बहुत ही खुशगवार मौसम है, मज़ा आ रहा है सफ़र का। ये स्टार्टर सिग्नल रेड और उससे आगे एडवांस स्टार्टर दोनों रेड हैं, जिसकी वजह से पीएलसी ली गई है। पीएलसी के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं ये क्या चीज़ है, तो मैंने इस पर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। आप पीएलसी के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिए दिए गए लिंक को फॉलो करके जान सकते हैं। बारिश का मौसम हुआ है तो चाय का भी दिल कर गया, और ये चाय के वेंडर गुजर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा एक चाय बना के दें, एक टी बैग वाली चाय बनवा रहा हूँ। मीठा कैसे रहा? मीठा कम? हाँ कम। कितने की है भाई ये चाय? चाय 50 रुपए की सर। 50 रुपए की चाय टी बैग वाली? अच्छी होगी सर। अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये चाय भर गया, अभी तैयार होगी। चाय बह के तैयार होगी सर। तो बड़ी ज़बरदस्त चाय, ये काफ़ी झाग वाली चाय, पी के देखते हैं कैसी है। अच्छी है, थोड़ा सा इसमें दूध और डलवाता हूँ, थोड़ा सा और डालना है यार। अब ये थोड़ा मज़ीद अच्छी लगेगी, ज़बरदस्त। इस मौसम के साथ गर्मा गर्म चाय, मज़ा ही आ गया है, ज़बरदस्त। 4:25 हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी रफ्तार में साहिवाल रेलवे स्टेशन हम पहुंचने लगे हैं। बहुत ही स्पीडी एंट्री साहिवाल में। बहुत ही तारीखी शहर है पाकिस्तान का, पुराना नाम इसका मंटगमरी और हालिया नाम साहिवाल। यहाँ की बिल्डिंग भी हाल ही में रेनोवेट की गई है और वो नई बिल्डिंग दूसरी तरफ वाक़ है। कोशिश करेंगे साहिवाल पर उतरूं और आगे लोकोमोटिव की तरफ जाऊं। यहाँ पे एक रेल फैन ने भी आना है, तो देखते हैं वो आते हैं तो उनसे भी मिलते हैं। मुझे लगता है ये जो सामने आ रहे हैं तेज़ तेज़, यही वो रेल फैन है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक, मैं नीचे आता हूँ।
साहिवाल पे उतर के मैं लोकोमोटिव के पास आ गया हूँ और यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले रेल फैन अमजद भी हैं। अमजद भाई सर बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बड़ा इश्तियाक था मिलने का। बहुत ही जबरदस्त डिपार्चर विसल। ZCU है भाई, इसका कोई मुकाबला नहीं बाकी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुलाकात हुई भाई से, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल कैच करेंगे वहाँ पे अगर टाइम मिल गया, नहीं तो फिर वीडियो में तो देख ही लेंगे भाई को और वीडियो भी हम लाजमी देखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। तो ZCU 36318 का डिपार्चर विसल आपने सुना और यही सुनने के लिए मैं चार कोचेस छोड़ के इधर पहुंचा था। तो अब चलते हैं वापस अपनी कोच में और वहां पे बैठते हैं। अभी कुछ ही देर पहले हड़प्पा रेलवे स्टेशन को थ्रू पास किया है और अब बहुत ही अच्छी रफ्तार 103 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। ज़बरदस्त, हल्की हल्की धूप भी निकल आई है इधर और मौसम एकदम से तब्दील हो गया है, बल्कि इस जगह पर तो ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो ही नहीं। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर थोड़े से फासले पर अलग मौसम। शाम के 5 बज रहे हैं और इस वक्त चीचावत्नी रेलवे स्टेशन 8 डाउन तेज़गाम पहुंच गई है और यहाँ पे तो ऐसी कड़कती हुई धूप निकली हुई है जैसे लग रहा है कि बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरा इधर। तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि थोड़ा कुछ किलोमीटर पहले बारिश हुई है और वहाँ पे ज़मीन बिल्कुल गीली है, जबकि थोड़े किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे आए तो यहाँ पे कड़कती हुई धूप निकली है। वैसे हवा में गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, मौसम खुशगवार है, लेकिन फिर भी धूप काफ़ी तेज़ है और आसमान पे बादल बिल्कुल भी नहीं है। चीचावत्नी एक खूबसूरत शहर और उसका खूबसूरत रेलवे स्टेशन। चीचावत्नी रेलवे स्टेशन पर जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर है वो दूसरी जानेब है, यानी अगर मैं इस तरफ कैमरा करूं तो उस तरफ वाक़े चीचावत्नी। बजकर 31 मिनट हो रहे हैं और इस वक्त
मियां चन्नू रेलवे स्टेशन पहुंच रही है एयर टाउन तेजगाम। सामने बच्चे मुर्गी और उसके चूजों के साथ खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा मंजर था ये। ये भी एक तारीखी शहर है और कहते हैं कि इसका नाम हज़रत बाबा मियां चन्नू एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे उनके नाम पर रखा गया है। इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिलेगा तो बहुत जल्द यहाँ पे आके रेल फैनिंग करूँगा। यहाँ के प्लेटफॉर्म्स की ख़ास बात, यहाँ पे लगे हुए दरख्त और पौधे हैं, बहुत ही हरा भरा रेलवे स्टेशन है ये। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ मुख्तलिफ सफ़र के दौरान। एक खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी लोग मौजूद हैं इधर ट्रेन पे सवार होने के लिए। और ब्रेक्स लग गए हैं। मियां चन्नू रेलवे स्टेशन पर ये सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा दरख्त लगा है और उसके नीचे एक बेंच है, वहाँ एक बाबा जी बैठ के रेल फैनिंग कर रहे हैं। मेरा भी दिल करता है कि इस तरह एक रेल फैनिंग सेशन करूं और आराम और सुकून के साथ बैठ के किसी दरख्त की छाँव में किसी बेंच पर गुज़रती हुई ट्रेनों को देखता रहूं। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की रेल फैनिंग भी बहुत जल्दी करूंगा। राजपूत नगर रेलवे स्टेशन से पीएलसी लेते हुए पास कर रहे हैं और काफ़ी देर से बड़ी अच्छी स्पीड में दौड़ रहे थे, अभी स्पीड थोड़ी हल्की हुई है तो मैंने कैमरा ऑन किया है कि मंज़र को एंजॉय कर सकूं। राजपूत नगर बड़ा अच्छा रेलवे स्टेशन है और अभी आपने देखा जहां स्टेशन मास्टर साहब खड़े होके हरी झंडी ला रहे थे उसका जो गार्डन है वो कितना अच्छा था, खूबसूरत था। कभी मौका मिला तो यहाँ भी ज़रूर आऊँगा रेल फैनिंग के लिए। कुछ ही देर में खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप होगा तेज़गाम का और फिर आगे मुल्तान कैंटोनमेंट के लिए रवाना होंगे। तेज़गाम क्योंकि बरासा मुल्तान जाती है तो इसका जो बड़ा टेक्निकल स्टॉप है वो मुल्तान कैंटोनमेंट पे होता है, खानेवाल पे नहीं होता। वहीं पे यानी कि मुल्तान पर इसका क्रू भी चेंज होता है लोकोमोटिव का, तो देखते हैं आज कब पहुंचते हैं मुल्तान। ऐप के मुताबिक तकरीबन 17 से 18 मिनट डिले है ट्रेन, जो कि इतना ख़ास नहीं है। शाम के 6:15 हो रहे हैं और फाइनली एयर टाउन तेज़गाम खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। मेरा गोप्रो यहाँ पे स्टक हो गया था इसलिए थोड़ी देर से मैंने वीडियो बनानी शुरू की। काफ़ी अरसे बाद आज खानेवाल जंक्शन को दिन की रोशनी में देखा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है ये और यहाँ की रौनक बहुत ही ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे जब ट्रेन इधर 20 मिनट के लिए रुकती है जो तब लोग यहाँ पे खाने पीने की ख़रीदारी करते हैं और फूड स्टॉल्स पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तेज़गाम का बड़ा स्टॉप मुल्तान पर होगा इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए रुकेगी। बहरहाल इस थोड़ी देर में खानेवाल को एक्सप्लोर करते हैं। फूड वेंडर्स तैयार हैं बिल्कुल
अपनी अपनी ट्रे सजा के। आइसक्रीम, रोस्ट, चाट, सब कुछ अवेलेबल है। खाने वाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर उतरा हूँ मैं, थोड़ी ताज़ी हवा खाते। अस्सलामुअलैकुम। खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के फूड स्टॉल्स पर रौनक आप देख सकते हैं और सारे वेंडर्स की आवाज़ों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत ही लाइवली स्टेशन है ये। गर्मियों का मौसम है, कुल्फ़ी खोए वाली भी मिल रही है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं खाने वाल जंक्शन पर और अभी अभी थोड़ी देर पहले पहला डिपार्चर विसल हो गया, दूसरे का इंतज़ार है। जैसे ही दूसरा डिपार्चर विसल होगा ट्रेन मूव करने लगेगी। दूसरा डिपार्चर विसल हुआ छोटा सा और ट्रेन मूव करने लग गई है। अभी आपने देखा ही कि यहाँ पे दही बल्ले ज़ोरों शोर से बिक रहे थे लेकिन लोगों ने खा खा के जो उसकी प्लेट्स हैं वो प्लेटफॉर्म पर ही फेंक दी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जिनसे हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं वो गंदे होते हैं, ख़राब होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो चलें चलते हैं, अब बैठते हैं ट्रेन में और मिलते हैं आगे। आहिस्ता आहिस्ता खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से अब इस नुक्ते तक पहुँचे हम जहाँ से दो लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। लेफ़्ट साइड पे जो लाइन जा रही है ये कॉर्ड लाइन है जो कि खानेवाल से लोधराम पहुँचती है बरास्ता जानिया, कुतुबपुर, रुकनपुर वगैरह, जबकि हमारी ट्रेन जिस लाइन पर है ये बरास्ता मुल्तान से होती हुई और लोधरा तक जाती है। ML1 यानी मेन लाइन 1 के हिसाब से देखें तो जो कॉर्ड लाइन है ये मेन लाइन 1 कहलाएगी। जो किलोमीटर मार्कर्स हैं वो कॉर्ड लाइन पे चलते हैं जबकि हम जिस लाइन पे हैं ये रेलवे की टर्म में लूप लाइन कहलाती है। जो बरास्ता मुल्तान लाइन लोधरा जा रही है ये डबल है जबकि जो बरास्ता जहानिया लोधरा तक जा रही है ये सिंगल लाइन है। यहाँ से मुल्तान तक का फासला तकरीबन 35 मिनट का है तो देखते हैं अभी कितनी देर में ये पास करते हैं हम। बीच में दो रेलवे स्टेशन्स भी आते हैं जिन पर स्टॉप नहीं है, एक रियाज़ाबाद और एक पीरांकाइब। बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार के साथ दौड़ रहे हैं खानेवाल और मुल्तान के दरमियान, 104 से 105 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है और सच में मज़ा आ रहा है। कहते हैं गर्मियों में मुल्तान के लोगों से बनाकर ज़रूर रखनी चाहिए और उसकी वजह आम है। इस वक्त आमों के बागात के सामने से गुज़र रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार है और सारे दरख्त आमों से लदे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। बादल एक दफ़ा फिर आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि रात को बारिश होगी मुल्तान में, तो चलें देखते हैं कैसा मौसम मिलता है आगे।
शाम के 7:02 हो रहे हैं और मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। बारिश भी शुरू हो गई है और ये लेंस पे पानी भी आ गया, इसे साफ़ करता हूं मैं। बारिश एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है। आज तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौसम दिखाए एक छोटे से टाइम स्पैन में। जब लाहौर से निकला, रायविंड से निकला, तो बारिश हो रही थी शदीद, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, फिर कड़कती भी धूप निकल आई और अब दोबारा से बारिश। सुभान अल्लाह। मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का लोको शेड, ये जो सामने लाल सी इमारत आपको नज़र आ रही है, ये लोको शेड है। और प्लेटफॉर्म इसी तरफ आ रहा है, मुल्तान उतरते हैं और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का जो इनॉग्रल है वो भी कैप्चर करेंगे। लोको शेड मुल्तान। ट्रेन की चेकिंग हो रही है TXR स्टाफ की तरफ से। बारिश काफ़ी तेज़ है इसलिए कैमरा मैं थोड़ा अंदर की तरफ कर लेता हूँ। 7:07 हो रहे हैं और मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुक गई है ट्रेन और मैं भी उतर गया हूँ। स्टेशन की लाइट नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान में जब बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। लेकिन ये जो स्टॉल है हाफिज़ सोहन हलवा का, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, शायद UPS के थ्रू, तो उससे काफ़ी रोशन हो रहा है और लोगों को, मुसाफिरों को भी आसानी हो रही है। तो हेड डाउन तेज़गाम का सफ़र बहुत अच्छा रहा, ख़ास करके मौसम की वजह से मैंने इसे बहुत इन्जॉय किया और काफ़ी दिन बाद भी आज ट्रेन पर ट्रैवल किया था तो इसका लुत्फ दुबाला हो गया। औलिया की सरजमीन में अब अगले 2 दिन मैं गुजारूंगा और बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का जो इनॉग्रल है कल, उसे भी कैप्चर करूंगा। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपने सफ़र को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जगह रेल पैनिंग के साथ और किसी नए सफ़र पे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।